धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स को आभार देने के लिए आज ही के दिन देश भर में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाता है। आज के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आज का ये दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे लोगों की जान बचाने के लिए उनकी सेवा में डॉक्टर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उनके कार्यों और दायित्वों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच जब मामले काफी बढ़ गए हैं तो डॉक्टर्स 24 घंटे और सातों दिन काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचने के बजाय राष्ट्र की सेवा करने का फैसला किया। उनकी भावना और समर्पण को नमन है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से हमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है और उनकी इस हिम्मत और जुनून के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आज इस विशेष दिन को मनाते हैं। बता दें, डॉक्टर्स डे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। अमेरिका में डॉक्टर्स डे 30 मार्च, क्यूब में 30 दिसम्बर और ईरान में 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार डॉक्टर्स डे मार्च 1933 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में मनाया गया था। पहली बार डॉक्टर्स डे मनाने के लिए डॉक्टर्स को एक कार्ड भेजकर और दिवंगत डॉक्टरों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर इस दिन को मनाया गया था। वहीं भारत में ये दिन पहली बार सन 1991 में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मानवता की सेवा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया गया था। डॉक्टर रॉय एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 4 फरवरी सन 1961 को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने जादवपुर टीवी जैसे मेडिकल संस्थानों की स्थापना में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत के उपमहाद्वीप में पहला चिकित्सा सलाहकार भी कहा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।